जुल्ले जी, मेरा नाम पद्मा दोर्जे और मैं हुडलिंग गांव से बिलोंग करता हूं और मैं जियो एसोसिएट के तौर पर काम करता हूं। पंचायत प्रधान होने के नाते गांव का दौरा करते रहना पड़ता है, तो उस दौरान मैं साथ में लोगों को अपना जियो का सिम वगैरह जो है देते रहता हूँ और लोगों को जियो फोन वगैरह यूज करना अच्छे से सिखाना। इससे मेरा दो काम निकल जाते हैं, एक तो जनसेवा हो जाता है और दूसरा अपना कुछ फाइनेंशियली पैसे भी बन जाते हैं। पहले यहाँ पे लोगों को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे हमारा बैंक यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है, लोगों का अगर एक साइन छोटा साइन भी करना तो भी हमें ताबो जाना पड़ता है। हमारे ज्यादातर लोग यहाँ पर किसान हैं, तो हम जो है अपने सेब मंडियों में बेचते रहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ से कम 8 किलोमीटर दूर समदू जाना पड़ता था, वो भी अपनी गाड़ियां लेके। वहां पर भी कभी नेटवर्क होता था, कभी नहीं होता था। आजकल जियो लगने से लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि हमें घर बैठे बैठे पर लग जाता है कि आपका सेब कितना बिक रहा है, और बैंक में जो हमारे जो आरती जो हमारे सेब बेचते हैं वहाँ पे, वो हमारे बैंक में पैसे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। नहीं तो हमें कम से कम कभी तो दिन में दो तीन चक्कर लगाना पड़ता था बैंक का। फिर हमारे यहाँ सर्दियों विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी रास्ता बंद हो जाता है इस बीच में, तो हमारे परिवार के लोग चले जाते दूसरे, हमारे लोगों का कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये पता नहीं लग पाता कि आगे जो रोड बंद हो चुका है और हमारे परिवार के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो यहाँ घर में लोग परेशान काफी होते थे। कभी रात के 10-10, 12-12 बजे पहुंचते थे, वो भी पैदल। अब आजकल हमारे जियो लगने की वजह से इतनी सुविधा हो गया कि वो वहां से हमें कॉल कर देते थे और हम यहाँ से गाड़ी लेके उनको दोबारा अपनी तरफ ले आ पाते। धन्यवाद।